वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी आम तौर पर जो धर्म की दुनिया के वरतते हैं तो अज भी बहुत थावां ते ये गल बड़े ही वखरेवें दे नाल वेखी जाती है। इतों तक कि कई धर्मों के यह पक्की मर्यादा आ कि सिर्फ बंदे ही इस धर्म के शामिल हो सकते हैं, औरतों को कोई हक नहीं गा। हाँ, उन्होंने नाम नाल एक खाना पूर्ति वास्ते कहा जाता भी यह भी धार्मिक ने, पर उन्होंने वो अहुदा माण सत्कार नहीं दिता जाता जो देना चाहिए। इनके उल्ट जे इस गल बड़ी बरीकी दे नाल समझा जाए तो समझ आएगी कि धर्म मानसिक पद्धर ते अध्यात्मिक पद्धर उपर वर्तन वाली एक बड़ी वक्री निराली सुहावनी बड़ी आनंदमयी खेल है, पर समय समय इहदे नाल खिलवाड़ हुंदा रहा क्योंकि लोग शरीरां तक टिके रहे। मैं इत्थों तक जिक्र कर दवां, असी ते पग्गां बन्नण दे स्टाइल नूं वेख के अपने पैरां दे नाल नफरत करदे हां। उन्हें जे लाल रंग के कपड़े पाए, काले रंग के कपड़े पाए, नीले रंग के कपड़े पाए तो असी नफरत करदे। मैं इत्थों तक भी कहने विच कोई गुरेज नहीं करांगा, साडे विच कुछ धिर उह है जिहड़ी पेंट शर्ट पाउण वालिआं नूं प्यार नहीं करदी, ते दूसरे पासे आ जिहड़े पेंट शर्ट पाउण वाले ने ये भी बाणा पाउण वालिआं नूं सवाए पखंडी दे होर कुछ नहीं वेखदे। ते मैं ये भी कह सकदा, हो सकदा जिवें दा तुहाडा मूंह उवें दी तुहानूं कदे जिंदगी दे विच चपेड़ वज्जी होवे, किसे पेंट शर्ट पाउण वाले नूं किसे बाणे वाले ने ठग्गिआ होवे। ये जरूरी तो नहीं क्योंकि बाणा पा के बंदा पवित्र ही रहेगा, पर यह भी कोई जरूरी गल नहीं कि हरेक बाणा पाउण वाला बेईमान है। पर इस गल नूं जरूर समझो कि बाणा पाउण वाला अपने गुरु साहब जी वर्गा दिखण की कोशिश कर रहा है, तुसीं ते उस राह ते चले ही नहीं गए। पर फिर भी जे इस गल नूं बड़ी बरीकी दे नाल समझण दी जे किते खेचल कीती जावे, बड़ा डूंघाई दे नाल इस चीज़ नूं वाचिया जावे तो अपने ध्यान दे विच गल आउंदी है कि असी किसे नूं बाहरी तौर ते वेख के उहदे नाल नफरत या उहदे प्रति अपना एक विचार पेश करदे वी नहीं इह ते इवें दे ही हुंदे। पर धर्म की दुनिया ने कदे भी बंदे नूं इवें कुछ नहीं सिखाया, सगो सतगुरां ते कहा जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। घटना तकरीबन 1990-91 दी है, सरदार शमशेर सिंह जी प्यारे हेमकुंड साहब जा रहे हैं तो रस्ते दे विच गोबिंद धाम के उपर अमृत संचार रख्या गया है। संगत को सुनेहा दिता गया कि जिन्हों ने कल सवेरे अमृत छकना है वह अपने नाम ग्रंथी सिंह जी में लिखवा देना। एक नवी विआई लड़की गुरु के सिखां दे जीवन तो प्रभावित होकर अमृत छकन वास्ते अपना नाम लिखवाउण आई, ग्रंथी सिंह ने ना कर दिती। कारण यह सी कि उस लड़की के घर वाले ने अमृत नहीं छकिया। वो लड़की सरदार शमशेर सिंह जी के कोल पहुंची जिहड़े कि उस अमृत संचार के संचालक सन। लड़की ने दस्सिया कि मैनूं ग्रंथी सिंह जी ने ना कर दिती कि तुसीं अमृत नहीं छक सकते क्योंकि तुहाडे घर वाले ने अमृत नहीं छकिया तो तुसीं अमृत नूं बाह नहीं सकते। सरदार शमशेर सिंह जी कहण लगे तुसीं कल सवेरे आउणा, आपां फिर गल करांगे, तो तुसीं अमृत छकण वास्ते आउणा है, तुसीं तैयारी वट के आ जे अगे सतगुरु जाणा। अगले दिन जदों सवेर हुई अमृत छकण वास्ते पांच प्यारे तैयार ने, दूसरे पासे ग्रंथी सिंह जी बाहर बैठे ने, सरदार शमशेर सिंह जी भी बाहर बैठे ने। तो ग्रंथी सिंह जी लड़की नूं वेख के कहण लगे बचीए तैनूं कहा सी कि तू अमृत नहीं छक सकदी क्योंकि तेरे घर वाले ने अमृत नहीं छकिया। सरदार शमशेर सिंह जी बड़े प्यार दे नाल कहण लगे सोहणिया मैनूं इक गल ते दस, जे इहदा घर वाला गुरु तों बेमुख रह सकदा है उंदी मूर्खता ही एडी ढीठता ही पक्की है कि मैं गुरु वाला नहीं बनना, तो तू इस लड़की की पक्याई भी देख कि यह गुरु साहब के घर लिए कितनी समर्पित है। तो जे तू ये गल सोचता है कि इन्हां दे जीवन का एक वक्रा वक्रा पद्धर होण ते इन्हां दी अमृत संचार की ज अमृत की दात की जिहड़ी खेड है वह निभ नहीं सकती, तो मैनूं एक गल सोच के दस, महाराज जी ने जो पांच प्यारे बुलाए सी कि उन्हां दीआं पत्नियां नूं नाल बुलाया सीगा। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਪ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੰਪਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
कि जे एक किसे दी चाहना है कि मैं गुरु वाला बनना है तो उन्हों गुरु वाला बन दो, क्योंकि पता है नहीं उनके जीवन वाल वेख के एक नहीं करोड़ों का जीवन बदल जाए। तो परिवार तो फिर गल ही बड़ी छोटी है। जे किसी बंदे की ढीठता ही बहुत वड्डी है कि मैं गुरु वाला नहीं बनना, तो फिर तुम किसी बंदे की पक्याई ही वेख्या करो कि वह अपने परिवार के अगेंस्ट जाके गुरु वाला बनने की चाहना रख रहा है। कम से कम परिवार के उनके इस सुचे गर्म के रोड़ा बन रहा है। गुरु के सिखो तुम तेने ना बनो, मन की कृपा कर। सिखी अध्यात्मिक वादी है, शरीरिक वादी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।